राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग रंग नजर आएंगे सहयोगी कौन का। ये देखिए लोग नाच कर रहे हैं और ये कलाकार भी ले रहे हैं अपने अपने अलग अलग दिखा रहे हैं। तो यहाँ एक उत्साह का माहौल आप देख सकते हैं। दिनकर राम जुली कैबिनेट मंत्री है उनका यहाँ कार्यालय है। ये आप अक्सर देखा करते हैं शादी ब्याह में और फंक्शन में इस तरीके से आग निकाल के एक प्रदर्शन कला का किया जाता है। हालांकि ये खतरनाक है लेकिन ठीक है। यहाँ बड़े बुजुर्ग काफी लोग भी आए हुए हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग यहाँ आपको दिख सकते हैं। इनको हमने अभी खास बात देखी थी कि यात्रा में राहुल गांधी के स्वागत होने से पहले ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मोहब्बत वाला संदेश राहुल गांधी ने दिया है वो आगे काम कर रहा है। किसके स्वागत के लिए आए हैं सर? हाँ, स्वागत के लिए आए। किसके? राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी को ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? देश में हालात गंभीर है, देश में शांति रहे, मोहब्बत का पैगाम दे रहे, हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लोगों में बांट रहे। कल राहुल गांधी ने कहा कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। हम भी लोगों को ये दे रहे हैं कि नफरत को मिटाओ, मोहब्बत को बढ़ाओ। बिल्कुल, मैं भी जब आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि आप नमाज पढ़ रहे थे अंदर और ये एक तो माहौल पहले ये अपना जो हिंदुस्तान का था वो वापस लौट रहा है कहीं ना कहीं। हम भी यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे पहले रहते थे अब भी रहे, मोहब्बत अमन पैगाम बना रहे। हमारा जो मुल्क है वो एकता का मुल्क है, जैसे कि भारत देश महान है जिसमें धर्म अनेक, तरह तरह के फूल खिलावे, बाग सजावे एक। शुक्रिया। नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो संदेश है वो आगे बहुत आगे पहुंच रहा है। दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल, हाँ खोल देगा, मोहब्बत की दुकान खुल गई। आप भी सहयोग करेंगे? अरे पूरे सहयोग चल रहा है, कैंप पर मेरे चल रहा है ठंडा वालों पक्का। अरे मोदी ने सौदे करवा दी अब तो। अब की कुछ संभावना है 2024? संभावना दिखेंगे ही ना, ये फूल वाला दिखेगा। अरे सब एक जगह मिलेगा अब तो। आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये नफरतों के बाजार में मोहब्बत का संदेश? राहुल जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत और भाईचारा आपसी जो है सामंजस्य सभी समाजों में सभी धर्मों में बना रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। कामयाब हो जाएंगे? कामयाब होना तो सभी के सहयोग से होता है। सभी धर्मों के लोग हम मिलजुल करके एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ हम रहे, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, राहुल गांधी का संदेश कामयाब होगा? निश्चित रूप से, जब से वो चले हैं मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान ने विश्व की सबसे ऐतिहासिक यात्रा है। एक गांधी परिवार का व्यक्ति पैदल चल रहा है और पैदल चलने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक और नफरत की बात की जा रही है, हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, राहुल जी भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ो जोड़ो भारत, जोड़ो छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। जिस तरीके से लगातार एक दूसरे के प्रति लड़ाई और झगड़े का माहौल बना रहा है, तो मैं समझता हूँ राहुल जी की जो यात्रा है ऐतिहासिक यात्रा है। और कल मालाखेड़ा में जो ऐतिहासिक मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सबसे पहली और शानदार मीटिंग मालाखेड़ा में हुई। और लगातार हमारे कार्यकर्ता हुजूम के साथ पूरी ताकत के साथ बिना साधनों के लोग मिलने आ रहे हैं, दिल की भावनाओं से मिलने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भर भर के गाड़ियां लाते हैं, प्रसाद डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के पूरे हिंदुस्तान से जब विपक्ष में भी रहे हम लोग, वहाँ भी लोग दौड़ दौड़ के आए और अपने आप मन से भावना से सारी नीतियों को देखते हुए इतना पैदल चलना, मैं समझता हूँ आज के इतिहास में सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। वो पद के भूखे नहीं है, चाहते तो आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन आज तक कभी प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकार किया, अध्यक्ष पद भी उन्होंने छोड़ा। तो इससे लगातार मैं समझता हूँ